हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के एपिसोड 28 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें शाओ रिज विलेज दिखाया जाता है। ये एक्चुअल में वही विलेज है जहाँ पे वो मेट्रोइड गिरा था, और आज यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं क्योंकि यहाँ पे इन लोगों की ट्रेनिंग होने वाली है। और उसके बाद में वहाँ पे वो क्लासमेट्स दिखाए जाते हैं और वो लोग लाइन में चल के जा रहे होते हैं, और वहाँ पे जो विलेजर्स होते हैं वो लोग उन्हें थोड़ा फ्रूट्स ऑफर कर रहे होते हैं क्योंकि वो लोग उनकी हेल्प के लिए यहाँ पे आए थे। लिन मिंग से कहते हैं कि अभी फिलहाल जो हमारे टीचर हैं वो तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ रहे थे, इसलिए तुम्हें अभी वहाँ पे जाना होगा। मिंग ये बात सुन के वहाँ पे चला जाता है। और फिर अगले सीन में मिंग वो अपने टीचर्स के पास पहुँच जाता है, और फिर वो टीचर मिंग से कहते हैं कि अभी फिलहाल जो टीचिंग सेक्शन है वहाँ पे कुछ लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें वहाँ पे जाना होगा। और उसके बाद मिंग टीचिंग सेक्शन की तरफ निकल जाता है, और फिर तभी उसे रास्ते में वो कमांडर मिल जाती है। मिंग कमांडर को देखते हुए कहता है कि कमांडर तुम भी यहाँ पे काम करने के लिए आई थी? वो कमांडर मिंग से कहते कि मैं यहाँ पे हर साल आती हूँ यहाँ पे जितने फ्रेशर्स होते हैं उन्हें सिखाने के लिए। मिंग कमांडर से कहता है कि क्या मेरे लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं? वो कमांडर मना करते हुए कहते कि यहाँ पे फिलहाल जो मेरे टीममेट्स हैं और मैं यहाँ पे इसलिए आते हैं कि हम लोग यहाँ पे लोगों को ये सिखा सके कि उन्हें वाइल्ड कॉम्बैट कैसे करते हैं और वाइल्ड एरिया में कैसे सर्वाइव करते हैं, और कुछ साथ ही साथ और भी छोटी मोटी ट्रिक्स। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे हम लोग सब लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेशर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते कि वो अपनी रक्षा खुद कर पाए, क्योंकि ऐसी जगहों पे कुछ अलग से ही मॉन्स्टर्स आ सकते हैं जो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे यहाँ पे जो फ्रेशर्स हैं उनसे भी ज़्यादा। तो मिंग कमांडर से कहता है कि तुम्हारा थैंक यू। कमांडर उससे पूछते हैं कि तुमने मुझे थैंक यू किस लिए कहा? पर चलो कोई नहीं, मैं समझ गई तुमने किस लिए थैंक यू कहा। अभी फिलहाल तुम ड्रैगन फैंग के मेंबर हो और इसके कारण तुम बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हो इन सभी के टीचर बनने के लिए, पर मैं तुम्हारी ये जो लाइफ है यूनिवर्सिटी की लाइफ, मैं उसे खराब नहीं करना चाहती, इसलिए तुम यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। पर अभी फिलहाल तुम यहाँ से जाओगे उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ पे बता देती हूँ कि अभी मेरा जो मिशन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, और अभी फिलहाल मैं तुम्हें इस मिशन के बारे में ज्यादा अच्छे से नहीं बता पाऊंगी। मिंग उससे कहता है कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। वो कमांडर मिंग से कहते हैं कि ये एक्चुअल में ड्रैगन फैंग के बारे में बता रही हूँ मैं तुम्हें। हम यहाँ पे एक्चुअल में ड्रैगन फैंग के मेंबर्स हैं, हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअली काम करते हैं, पर मैं यहाँ पे तुम्हें हमारी अथॉरिटीज बताती हूँ। वो कमांडर मिंग से कहते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता हुआ कि मैं तुम्हें जिस स्क्वाड के अंदर एंटर किया वो थर्ड ग्रेड की स्क्वाड है, पर मैं तुम्हें यहाँ पे एक बात बताती हूँ, यहाँ पे बहुत से टैलेंटेड लोग जो होते हैं वो यहाँ पे ड्रैगन फैंग के अंदर ज्वाइन होने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, पर उन्हें ये तक नहीं पता होता कि कहाँ पे जाके एप्लीकेशंस देने होते हैं यहाँ पे ड्रैगन फैंग का मेंबर बनने के लिए। और अभी फिलहाल तुम्हारे पास बी रैंक की अथॉरिटीज है, और अभी इसके अंदर एरिया के जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो स्कूल ऑफिशियल रिजर्व मेंबर और यहाँ पे और भी जो लोग होते हैं वो तुम्हारे अंडर आते हैं, मतलब कि तुम यहाँ पे उनको जितने भी ऑर्डर्स दोगे उन्हें जरूर ये सारे ऑर्डर्स को पूरा करना ही होगा। और हाँ, अगर जो फ्रंटलाइन मेंबर्स हैं वो तुम्हारे इंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर होगे तो वो भी तुम्हारी बात मानेगी, वो तुम्हें मना नहीं कर सकते किसी चीज के लिए। फिर मेन कमांडर से कहता है कि ये इंस्ट्रक्शन एरिया क्या होता है। वो कमांडर उसे कहते हैं कि चलो तुम एक बात मान लो, फिलहाल तुम एक मिशन पे जा रहे हो, तो अभी जिस मिशन एरिया में तुम खड़े हो तो उस पूरे एरिया के अंदर वहाँ पे अगर फ्रंटलाइन के जो मेंबर्स होंगे अगर वो वहाँ पे खड़े होंगे तो वो भी तुम्हारी बात मानेंगे, और अभी फिलहाल तुम इस विलेज के अंदर खड़े हो तो तुम इस विलेज के अंदर किसी को भी ऑर्डर्स दे सकते हो। मेन कमांडर से कहता है कि फिलहाल तो मैं यहाँ पे कोई मिशन नहीं कर रहा। वो कमांडर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि मिशंस की क्या डिटेल्स हैं। यहाँ पे एक्चुअल में हमें दो मिशंस करने हैं। सबसे पहला मिशन तो यही है हमारा कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब की जो सेफ्टी है उन्हें ध्यान रखना है, और स्पेशली यहाँ पे जो हायर अप्स होते हैं हमारे वो भी हमें इसी चीज के लिए ज्यादा पेमेंट करते हैं। और अभी फिलहाल मिंग तुम इस ड्रैगन फैंग के एकदम फ्रेश मेंबर हो, तो इसके कारण ही यहाँ पे तुम्हें हम लोगों को सिर्फ हेल्प करना है हमारे जो मिशंस होते हैं उनके अंदर। मिंग उनसे कहता है कि हाँ फिलहाल मैं तुम लोगों की हेल्प तो कर सकता हूँ, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं यहाँ पे तुम लोगों की वैसे भी हेल्प कर देता अगर मैं कोई ड्रैगन फैंग का मेंबर नहीं होता, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है किसी को भी बचाना। तो कमांडर, अब आप मुझे सेकंड मिशन के बारे में बता सकते हो? वो कमांडर उसे कहते कि फिलहाल तुमने एक मिशन जान लिया वो ही ज्यादा अच्छी बात है, तो दूसरा मिशन है वो तुम्हें मैं बाद में बताऊंगी। मेन कमांडर से कहता है कि अब जो कि आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी है तो मैं अपनी टीम के पास वापस जा सकता हूँ। वो कमांडर मिंग से कहते हैं कि फिलहाल के लिए तुम जा सकते हो, और अभी फिलहाल ये ड्रैगन फैंग के जो मेंबर की जो आइडेंटिटी है तुम्हारे पास, मैं उसको सिर्फ कुछ समय के लिए रोक पाऊंगी किसी के सामने ये जो सीक्रेट है वो खुलने से, क्योंकि बहुत जल्द शायद तुम्हारी आइडेंटिटी सबके सामने आ सकती है। और फिर हमें अगले सीन में कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जो एक्चुअल में वहाँ पे टेंट बना रहे होते हैं। वो टेंट बनाते हुए एक लड़की कहती है कि मैं तो सोचा था कि हम लोग फार्म हाउस में रहेंगे, पर हमें यहाँ पे इस विलेज के एकदम ओपन एरिया में रहना होगा,
और वो भी इस टेंट के अंदर। यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि मैं इस टेंट के अंदर कैसे सो पाऊंगी। तो यहाँ पे वो जो टीचर होता है वो उन स्टूडेंट से कहता है कि यहाँ पे हम लोग फिलहाल जो कैंपिंग करने वाले हैं वो तुम लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये तुम्हारी कैंपिंग की जो स्किल्स होती हैं वो एकदम अच्छे से इंक्रीज कर पाएगा। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपने टीचर से ये वाली स्किल एकदम अच्छे से सीखनी चाहिए। और तभी वहाँ पे जो टीचर के पीछे जो लड़का होता है वो कहता है कि यहाँ पे ल्यूकवेन आ चुकी है। और तभी वहाँ पे वैंग भी सुन लेता है और वो भी अपना फोन लेते हुए वहाँ पे चला जाता है। और फिर वहाँ पे ल्यूकवेन के आसपास बहुत सारे लड़कों की एकदम लाइन लग चुकी होती है, मतलब कि उसको घेर के खड़े हो जाते हैं और वो उसके साथ फोटो ले रहे होते हैं। और फिर हमें अगले सीन में मिंग दिखाया जाता है जिसने अभी तक अपना टेंट बना लिया होता है। और फिर वो एक बैग पकड़ते हुए कहता है कि अभी फिलहाल ये जो बग पाउडर है उसे फैलाना बाकी है। और फिर वो उसे ही फैलाने लग जाता है। और फिर हमें अगले सीन में एक इंस्ट्रक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम ज़ियो की है। वो इंस्ट्रक्टर उस बग पाउडर को नीचे गिराते हुए कहता है कि यहाँ पे जो वाइल्ड बीस्ट होते हैं वो एक्चुअल में यहाँ पे जो आग लग जाती है वो एकदम अच्छे से सेंस कर पाते हैं, और जैसे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे कोई आग लगी है तो वो उस चीज के बिल्कुल भी पास नहीं जाना चाहेगी। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि हम लोग सुपर बींग्स हैं, हम क्यों किसी बीस्ट से डरने लग चुके। वो इंस्ट्रक्टर उससे कहता है कि अभी फिलहाल हम लोगों ने जब उस मॉन्स्टर के साथ लड़ाई की थी तब हमें पता चला था कि यहाँ पे जो और भी जो मॉन्स्टर्स थे वो इवॉल्व हो चुके थे और कुछ तो म्यूटेंट हो गए थे। और फिर हमने तभी वहाँ पे एक बड़ा सा बियर देखा था जो म्यूटेंट हो चुका था और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा था। और फिर वो इंस्ट्रक्टर अपनी बात को आगे करते हुए कहता है कि अभी फिलहाल तो तुम सब एक ग्रुप में काम कर रहे हो, इसके लिए तुम लोग अभी सेफ हो, पर हम लोग जब मिशंस पे जाएंगे तब तुम लोग शायद अकेले रह सकते हो या फिर तुम अपने मेंबर्स के साथ होगे, और तब तुम्हें ये जो पाउडर्स होते हैं वो तुम्हें हेल्प कर सकते हैं, और हमने जो इंस्ट्रक्शंस तुम्हें दिए हैं वो सब अगर तुम अच्छे से फॉलो करोगे तो तुम अपनी जो लाइफ है उसे बचा पाओगे उन मॉन्स्टर्स के सामने, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और फिर हमें अगले सीन में रात दिखाई जाती है और वो सब वहाँ पे कैंप फायर करके बैठे होते हैं। एक लड़की कमांडर से कहते हैं कि कमांडर आपको पता होगा कि आपने अपनी लाइफ में कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया हो जो आपके लिए बहुत ज्यादा डरावना हो। वो कमांडर उस लड़की से कहती है कि मेरा सबसे बड़ा डरावना जो एक्सपीरियंस था वो मैंने उस समय देखा था जब वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बीस्ट आ गया था जिसका रैंक एम्पायर रैंक में आता है, और मैं उस समय एक्चुअल में सिर्फ एक स्टूडेंट थी और उस चीज को देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी, और वो जो मॉन्स्टर था वो इतना ज्यादा डरावना था और बहुत ज्यादा खतरनाक था वो, और ऊपर से वो बहुत ज्यादा बड़ा था हाइट में, और उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि हमारा जो स्कूल है उसके पास एक बड़ा सा माउंटेन आ जा रहा है। और उसके बाद सबसे खतरनाक चीज ये हो गई कि जिस जगह पे उस मॉन्स्टर ने अटैक किया था वो जगह एकदम खतरनाक तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और अब वहाँ पे उन मॉन्स्टर्स के नेस्ट बन चुके हैं। पर सबसे अच्छी बात तो यही थी कि वहाँ पे कोई भी सिटीजन नहीं रहा था, वहाँ पे जितने भी सिटीजन रह रहे थे वो सब वहाँ से निकल चुके थे जब तक वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर रहे। और फिर तभी वहाँ पे उन लोगों के टीचर आ जाता है और वो टीचर उनसे कहते हैं कि अभी फिलहाल तुम लोगों को टाइम पास नहीं करना चाहिए और जल्दी से जाके सो जाओ क्योंकि हमें कल सुबह जाके बैटल फील्ड को क्लियर करना होगा। और फिर वो स्टूडेंट्स सोने चले जाते हैं। और फिर हमें अगले सीन में सुबह का सीन दिखा जाता है और फिर वहाँ पे एक टीचर होती है जिसके आसपास स्टूडेंट्स होते हैं और वो टीचर उन लोगों से कहते हैं कि अभी फिलहाल हम लोग एक छोटा सा वार्म अप करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग वापस यहाँ पे आएंगे, तब हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। और अभी यहाँ पे हम लोग वार्म अप में तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि मुझे सिर्फ एकदम फॉलो करते रहना है। दोस्तों इस टीचर का नाम मियाओ लैन है तो हमें सिर्फ इसे मियाओ बुलाएंगे। मियाओ स्टूडेंट से कहते हैं कि अगर तुम लोग मेरे को एकदम अच्छे से फॉलो नहीं कर पाए तो जो भी बंदा पीछे रह जाएगा उसे यहाँ पे सिर्फ स्टीम बंस खाने को मिलेगी। वो स्टूडेंट टीचर से कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग आपको एकदम अच्छे से फॉलो कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी जो फिजिक है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और हम लोग इतने ज्यादा वीक तो है नहीं कि हम लोग आपको फॉलो ना कर पाए। और फिर तभी उतने में वो टीचर एकदम तेज से वहां से भागने लग जाती है और कहते हैं कि तो चलो मुझे फॉलो करना स्टार्ट कर दो। और फिर वो ऐसे बोलते हुए जंगल्स के अंदर चले जाते हैं। और फिर वो स्टूडेंट वो टीचर को देखते हुए कहते हैं कि ये टीचर तो कितनी ज्यादा फास्ट है, वो हमसे भी ज्यादा तेज से आगे जा रही है। और फिर वो लोग थोड़ी देर ऐसे तेजी से भागते रहते हैं और सबसे आगे उनकी टीचर ही जा रही होती है क्योंकि वो टीचर है यार उन लोगों की। और फिर वो टीचर वो पीछे देखती है कि उनके पीछे कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं और वो देखते हैं कि काफी स्टूडेंट्स तो ये जो पुल था वो उसे पार ही नहीं कर पा रहे थे। और उसके बाद वो टीचर एक रिवर टाइप एरिया से निकलती है जहाँ पे मिंग और लैन और उसके साथ ली भी था, वो तो आराम से निकल जाते हैं, पर उनके पीछे जो स्टूडेंट्स आ रहे थे वो ये सब नहीं कर पा रहे थे, इसके कारण वो लोग थोड़ा स्पीड में स्लो जाते हैं। और फिर हमें अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि वो लोग माउंटेन के ऊपर चढ़ रहे होते हैं और इस वक्त टीचर के पीछे सिर्फ चार लोग चल रहे हैं और उसमें से एक मिंग है, एक लैन है और दूसरी ली है, और अभी यहाँ पे वो चौथा मेंबर का नाम नहीं पता क्योंकि बताया नहीं है। और फिर तभी वो टीचर रुक जाती है और ली टीचर से कहता है कि टीचर आप क्यों भाग नहीं रहे हो, हमें यहाँ पे रुकने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग आपको अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं। वो टीचर उनसे कहते हैं कि क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे पीछे भी कुछ लोग आ रहे थे और अभी फिलहाल तुम चारों ही मुझे एकदम अच्छे से फॉलो कर पाए हो।
तो अब इसके लिए हम लोग जरा यहाँ पे वेट करते हैं, और तब तक तुम लोग यहाँ पे आराम भी कर सकते हो, क्योंकि तुम लोगों की जो मेंबर्स हैं वो आने में थोड़ा लेट कर सकते हैं। दोस्तों इन लोगों की जो चौथा मेंबर था उसका नाम लियांग डोंग है। डोंग मिंग को देखते हुए कहते हैं कि ये मिंग कैसा अजीब सा इंसान है, इसको इतना तेज भागने के बाद भी एक पसीना तक नहीं आया। और उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो पीछे रह गए जो मेंबर्स थे वो सब भी आ रहे होते हैं, और वो सब वहाँ पे भागते हुए बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं। जियांग उन लोगों से कहता है कि मैं अब बहुत ज्यादा नहीं भाग सकता, अब तुम्हें मरने वाला हो बहुत जल्द। वो टीचर उन स्टूडेंट से कहते हैं कि अब चलो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स तो पहुंच ही चुके हैं, तो अब हम लोग अपनी जो रेस है उसे आगे बढ़ाते हैं। पर तभी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर को मना करते हैं और कहते हैं कि मुझे यहाँ पे सांस तो लेने दीजिए, मैं यहाँ पे अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहा, हम लोग इतना तेजी से भागते हुए आ रहे थे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक लिए बाय।